Hello students, this is part only first video. Mixed bag, chapter 11, class 8, math. Now in this video, I'm going to solve mixed bag. Question number 1. A family of 6 members consumes 42 kilogram of rice in a month. एक फैमिली है जिसके 6 मेंबर्स हैं जो कि एक मंथ में 42 केजी राइस जो है खा लेते हैं। इफ 4 गेस्ट डिसाइडेड टू स्टे ऑन फॉर अ मंथ, लेकिन 4 और जो है गेस्ट वहाँ पर एक महीना रहने के लिए जो है निश्चय करते हैं, तो हाउ मच मोर राइस शुड बी बॉट, तो मुझे और कितना राइस खरीदना पड़ेगा। तो इनको भी हम सॉल्व करने के लिए वही हम वेरिएशन यूज करेंगे। तो मेंबर नंबर ऑफ मेंबर्स ले लेते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स x और दूसरा लेते हैं राइस कंजप्शन कंज्यूम्स राइस केजी में, और ये हो गया y। 6 मेंबर जो है 42 केजी राइस कंज्यूम करते हैं 1 मंथ के लिए। अब इसमें मेंबर्स जो है 4 गेस्ट और बढ़ गए, 4 गेस्ट और बढ़ गए तो 6 × 4 = 10 मेंबर हो गए, तो कितना रहेगा। ठीक है, तो मेंबर ज़्यादा रहेंगे तो राइस ज़्यादा खर्च होगा, मेंबर कम रहेंगे तो राइस कम खर्च होगा। मोर मेंबर्स कंज्यूम, लेस मेंबर कंज्यूम लेस राइस, क्या लेस मेंबर्स कंज्यूम लेस राइस एंड मोर मेंबर कंज्यूम मोर राइस। सो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन यूज करेंगे तो डायरेक्ट वेरिएशन में एक्स और वाई का रेशियो 6/42 यानी 6/42 इक्वल टू 10/y। तो y का क्रॉस करेंगे तो y इंटू 6 इक्वल टू 42 इंटू 10, तो y इक्वल टू 42 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6। 6 × 6 = 6 यानी यहाँ पर ये आपका 10 है ना, 70। तो 70 यानी इस 10 आदमी रहेंगे तो 70 केजी राइस की ज़रूरत पड़ेगी, तो कितना और ज़्यादा होगा यानी मोर नीड मोर राइस, नीड मोर राइस इक्वल टू 70 − 42 10 to 8 यानी 28 केजी और राइस उनको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। 24 कॉपीज ऑफ ए डिक्शनरी अरेंज्ड ऑन अ सेफ ऑक्यूपाई 57.6 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्पेस। इफ अ सेल इज 0.8 मीटर लॉन्ग, कैन 40 कॉपीज ऑफ द डिक्शनरी बी अरेंज्ड ऑन इट। कर अगर जो हमारा सेफ जो है 0.8 मीटर लॉन्ग है तो क्या उसमें 40 कॉपीज जो है रखा जा सकता है, तो अब तो ये लगाने पता चलेगा। ठीक है, 24 कॉपीज जो है इतना जो है सेंटीमीटर के सेफ लेंथ सेफ में आता है, तो इसमें हम बताएंगे नंबर ऑफ कॉपीज एंड स्पेस ऑक्यूपाई, नंबर ऑफ कॉपीज एक्स स्पेस ऑक्यूपाई
हमने उसको ले लिया भाई। तो 24 कॉपीज के लिए स्पेस जो है, 24 कॉपीज के लिए स्पेस चाहिए 57.6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अगर 0.8 मीटर लॉन्ग हो तो 0.8 मीटर लॉन्ग है तो मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर का स्पेस अगर है तो उसमें हम ये देखेंगे कॉपियाँ कितना होगा, कितना आएगा, पहले हम लगाते हैं उसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 कॉपीज 57.6 सेंटीमीटर के स्पेस में आते हैं, तो इतने स्पेस में ज़्यादा कॉपी आएंगी, तो ये हमारा जो है क्या होगा, ये हमारा कम स्पेस रहेगा तो कम कॉपियाँ, कम कॉपियाँ कम स्पेस में है तो ज़्यादा, अगर स्पेस है तो ज़्यादा कॉपियाँ लगेंगी, यानी डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन यहाँ पर पुराने स्टेट नहीं लिखा है। तो एक्स पान वाई का रेशियो इक्वल टू 24/57.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है 24/57.6 = 80। तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 57.6 = 24 × 80। तो x इक्वल टू हो जाएगा 24 × 80 57.6। अब इस पॉइंट पर आने के लिए 10 से मल्टीप्लाई नीचे पर कर देंगे 24 × 800/576। तो उसे काटते हैं इसमें, इसको लिख सकते हैं बड़ी बड़ी संख्या को 2 × 4 = 17, 2 × 16 = 16, 2 × 4 = 8, 0, 0। फिर उसे करते हैं 2 × 2 = 2, 4 = 8। इससे भी और आसान हो सकता है, टू फोर जाए 2 4 8 2 4 8 2 4 8 0 0। तो इसको फिर 2 से काट लेते हैं, 2 × 7 = 14 2 × 4 2 × 4 = 0, 0। अगेन यहाँ पर 24 से यह कट जाएगा 3 टाइम में 72 होता है। अब यह आ गया 2 × 4 = 0, 2 × 4 = 2, 8 = 16, 2 × 8 = 16। ठीक है, अगेन
एडिट आया, इसको जो हम काटेंगे इसको यहाँ पर ऐसे ना करके यहाँ से इसको दोबारा काटते हैं। 24 × 800 अपन 576, फिर से देखते हैं 2 × 4 2 × 8 = 16 2 × 8 = 16 और इसको काटें पहले, इसको काटें इससे क्यों को मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। 2 × 4 = 8 0 0 फिर यहाँ पर डायरेक्ट देखते हैं इसको, इसको काटने के लिए 24 है, अगर ये 24 है 24 किसे कर सकता है, देखिए मैंने इसको काट दिया है 2 से पहले, इसको काटा 2 × 2 = 2 × 4 ठीक है 2 × 2 = 4 2 × 8 = 16 2 × 8 = 16 अगेन 12 × 12 12 × 2 = 24 और 12 × 4 = 28 अब अगेन इसको 2 × 2 = 2 × 4 और 2 × 4 = 8 0 0 यानी 412 हुआ गया। फिर 4 को हम 412 हुआ तो 2 से काटे 2 × 2 = 4 0 0 2 × 6 = 12 अगेन 2 × 3 = 6 2 × 2 = 100 यानी 100/3 आया और 33.33 कॉपीज आ गए। इतना कॉपीज को हम रख सकते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 40 कॉपीज में रख सकते हैं तो नहीं रख सकते, क्योंकि उसका काम जो है नो रखेंगे नो वी कैन नॉट अरेंज 40 कॉपीज। हम इसमें सेफ में जो है 40 कॉपीज नहीं रख सकते हैं, यानी लगभग मतलब यही है कि 33 कॉपीज 33 कॉपीज को ही रखा जा सकता है ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 40 मिनट्स, यानी 96 किलोमीटर पर आवर के स्पेस स्पीड से जब चलता है तो 40 मिनट्स में एक सर्टेन डिस्टेंस कर लेता है, कवर कर लेता है, तो हम इससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर स्पीड जो है 96 है उसको 4 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए इसकी स्पीड, तो बाय हाउ मच द ट्रेन विल टेक एन रिड्यूस, तो टाइम कितना कम हो जाएगा। तो अब इसको हम जो लगाएंगे द ट्रेन ट्रेवलिंग एट 96 किलोमीटर पर आवर, तो पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन दिया है इसको, अब इसमें मैप की जरूरत नहीं है। स्पीड ऑफ ट्रेन 96 किलोमीटर पर आवर ठीक है, टाइम कितना ले रहा है 40 मिनट, टाइम इक्वल टू 40 मिनट का टाइम ले रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस पहले निकालते हैं, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। यही हो रहा है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड यानी पहला वाला स्पीड ये ले रहे हैं, तो स्पीड हो गया हमारा 96 किलोमीटर पर आवर इंटू इस टाइम दिया है मिनट में, इस मिनट को हमको आवर में चेंज करना होगा, यानी 60 से डिवाइड कर दिया ठीक है, 22 × 23 यानी 96 × 2/3 3 × 3 = 9 3 × 3 3 × 2 = 2 2
3 is 6. Tell me. कहीं गलती है क्या? 3 जा 9, 3 जा 3. यह कितना है? सॉरी, यहाँ पर 36 है, 96 है. तो 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 जा 4. तो 3 जा 6 किलोमीटर, यह डिस्टेंस निकल गया हमारा. अब क्या कह रहा है कि अगर जो है स्पीड ट्रेन को 4 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिया जाए, तो न्यू स्पीड आफ्टर इंक्रीज आफ्टर इंक्रीज 4 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 96 प्लस 4 इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तब ये क्या है, क्या है, व्हाट विल से, हाउ मच द टाइम टेकन रिड्यूस, कितना समय कम लगेगा. तो अब देखिए, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपन टाइम. द टाइम इज डिस्टेंस अपन स्पीड. ठीक है, डिस्टेंस अपन स्पीड. तो डिस्टेंस हमने क्या कवर किया, 64, और स्पीड क्या है हमारा, 100. तो इसको हम 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0. अगेन 2 1 जा 2, 3 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. यानी 16/25. और इसको अगर चेंज करेंगे 0.64 आर्स. ठीक है, आर्स में है, तो इसको मिनट में चेंज करते हैं पहले. ठीक है, तो टाइम जो है हमारा दिया है 0.64 आर्स को हम जब चेंज करेंगे 0.64 आर्स को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिनट में हो जाएगा 38 पॉइंट, हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया है, 4 मिनट. मिनट्स हो गया. अब कह रहे कितना रिड्यूस करना पड़ेगा टाइम को. तो पहले कितना मिनट लगा था, रिड्यूस टाइम पहले 40 मिनट लगा था, और क्या लगा अभी, 38.4. जब स्पीड इसको बढ़ा दिए तो, यानी 1 मिनट, इसको माइनस करते हैं, 1 मिनट 20 सेकेंड. ठीक है, 1 मिनट 20 सेकेंड और टाइम कम हो जाएगा इससे. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4. विजय रन्स 5000 मीटर रेस विथ अ स्पेस स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर. 5000 मीटर को जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है. तो डिस्टेंस दिया है d इक्वल टू 5000 मीटर, स्पीड किलोमीटर पर आवर दिया है, स्पीड को पर मिनट में बदल लेंगे. स्पीड इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, इसको जो है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाएगा, 3 6 18 3 4 12, 2 3 2 2 यानी 55 10/3 मीटर पर सेकेंड हो गया. अब डिस्टेंस जब स्पीड दिया है और मीटर भी दे दिया है, तो हमें टाइम निकाल लेंगे. टाइम इज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम. तो टाइम इज़ इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड. डिस्टेंस हमारा कितना है, 5000. स्पीड कितना हो गया हमारा पास,
10 by 3 यानी 3 पर चला जाएगा, ठीक है। यानी ये 0 से 0 फिनिश, तो 5 3 15 दो जीरो, ये हो गया सेकेंड। अब इस सेकेंड को जो है हम क्या करना है, मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये मिनट में आ जाएगा 15 100/60 2 6 2 12 6 5 50 यानी इतना मिनट। What distance does we cover in first 10 minutes? अब इसमें जो है इतना हमने सॉल्व कर दिया है, अब पहला इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि What distance does we cover in 10 minutes? अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देंगे, तो 50 मिनट में कितना डिस्टेंस तय करता है वो 5000 मीटर का, इसमें हमने लगा दिया है इन 25 मिनट जे कवर 5000 मीटर। तो अब एक मिनट में विजय कितना कवर करेगा, 1 × 5000/25, तो 10 मिनट में कितना करेगा, 10 मिनट में पूछ रहा क्वेश्चन पहला, 10 मिनट में कितना करेगा, 10 मिनट में विजय कितना कवर करेगा, तो ज़्यादा करेगा 51 2 डिस्टेंस कवर करेगा 2000 मीटर कवर करेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है इसमें, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू कंप्लीट द रेस। ये तो हम लोग हाउ लॉन्ग, तो कितना कंप्लीट रेस को कंप्लीट करने कितना समय लगेगा, 25 मिनट्स, ये पहले सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हमारा जो है हमने जो पहले ही सॉल्व कर लिया था इसको, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है क्वेश्चन को पहले हमने जो है डिस्टेंस और स्पीड दिया था, तो हमने टाइम निकाल लिया और इसी बेसिस पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे, वो तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ 60 पीपल्स अटेंड अ कैंप फॉर 10 डेज, दे बॉट इनफ प्रोविजन टू लास्ट देम फॉर 10 डेज। यानी 60 पीपल्स जो है अटेंड करते हैं कैंप को 10 दिन में के लिए, तो उनके लिए 12 दिन का खाना रहता पर्याप्त, बट ए फ्यू मोर पीपल ज्वाइन देम एट द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट में जो है कुछ लोग और आ गए, एंड देयर प्रोविजन लास्टेड देम एग्जैक्टली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कैंप, ठीक है। हाउ लॉन्ग पीपल ज्वाइन द कैंप, हाउ मेनी पीपल ज्वाइन द कैंप, फिर से देते हैं, ए ग्रुप ऑफ 60 पीपल अटेंड अ कैंप फॉर 10 डेज एंड दे बॉट प्रोविजन टू लास्ट देम फॉर 12 डेज। यानी ये जो है 12 डेज में उस कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन फ्यू मोर पीपल ज्वाइन देम एट लास्ट मिनट में 12 पीपल जो है और ज्वाइन कर लिए, ठीक है। टू मोर पीपल्स लास्ट मिनट्स एट द प्रोविजन ऑफ द एक्चुअली ड्यूरेशन कैंप एंड हाउ मेनी पीपल ज्वाइन, तो आते हैं इसको 10 डेज के लिए रहता है, यानी 10 डेज के लिए भोजन रहता है और 12 डेज में वो जो है लेकिन वो लॉस्ट हो जाता है 12 डेज में, यानी उनके पास 10 दिन के लिए राशन तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा दिन का था, लास्ट 12 डेज का जो है राशन था, 2 दिन ज़्यादा का राशन था, लेकिन जब लोग बढ़ गए तो वो 10 दिन में ही फिनिश हो जाता है। यानी कितने लोग बढ़ गए थे जिससे कि वो राशन
जो 12 डेज के लिए था वो 10 डेज में ही फिनिश हो गया। तो हमें ये निकालना है नंबर ऑफ पीपल्स, तो इसको लगाने के लिए हमें जो है पहले तो पीपल, ये क्वेश्चन तो लॉन्ग हो जा रहा है, 25 मिनट्स हो गए, तो अभी इसको नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। तो ना अभी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो, वीडियो नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।